गुंडीचा मंदिर महाराज, गुंडीचा देवी, भगवान जगन्नाथ जी की मौसी लगती है ऐसा भाव है। इसमें वर्णन आता है चैतन्य चरतामृत के द्वादश परिच्छेद में, जहां पर चैतन्य महाप्रभु भक्तों के साथ जाकर के गुंडीचा मंदिर मार्जन करते हैं, उसको हम लोग श्रवण करेंगे। प्रभु
राधे। अपने भक्त जो द्वादश अध्याय में द्वादश संक्षेप में अंत लीला के जो आते हैं, चार महीना रहते हैं, कुछ लोग विचार करके देखिए पैदल चल चल के आते हैं सभी लोग, तो उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो रथ यात्रा के समय में आ जाते हैं और रथ यात्रा के समय आ करके चौमासा पूरा रहते हैं, क्योंकि रथ यात्रा के 10-12 दिनों बाद ही चतुर्मास प्रारंभ हो जाता है। महाप्रभु उनके लिए क्या कहते हैं, मार लागी स्त्री पुत्र गृहादि नाना दुर्गम पथ लंघी आशीषे न आनिए नीला चले परिश्रम नाही मेरे लिए मोर लागे स्त्री पुत्र गृहादि को आप छोड़ करके सब लोग इतने दुर्गम पथों से छोड़ करके कई लोग आ गए,
स्त्रियों को इतने दुर्गम मार्ग में ला नहीं सकते, स्त्रियां वहां पर बड़ी ही विराट अवस्था में है। प्रभु रे वचने सवार मिसैलो मन, अझोर नयने सवे करे नक्रंदन। प्रभु सवर गला धरि करे नरोदम, कांदिते कांदिते सवार त्रिगवलिंगम। महाप्रभु इतने प्यार भरे वचन बोल रहे हैं कि मेरे को बेच करके आप लोग जो चाहो बोले। प्रभु जी, महाप्रभु की इस बात को सुन करके भक्त नैनों से उनके नीर बहने लगा, झर झराने लगे। प्रभु भी सबके गले मिल करके रो रहे हैं, रोते रोते सब वाले मन कर रहे हैं। सब आई रही रहते चलते नी आन पाच सही मत बे अद्वैत प्रभु सहजे तुम्हार गुणे जगत विकास। नित्यानंद प्रभु अद्वैत क्या कहते हैं कि आपके प्रेम में सभी बिके हुए हैं। आपके प्रेम में सभी बिके हुए हैं। अमरता ते बंध छे वाक्य डोरे तुम छाड़ी के बात जाई बार पार। तब प्रभु सब कारे प्रबोध करिया, सवरे बिनाई दिला स्तुति रहिया। नित्यानंद कहिलो आमिनासी बरबार, तथाइ अमर संग तैबे तुम्हार। चले सब भक्त जन रोदन करिया, महाप्रभु रही लगरे बिछन दिया। निज कृपा सुने प्रभु मंदिर सवार, महाप्रभु के परिन के शोधिते परे। रोते रोते भक्त लोग वापिस जो जा रहे हैं, महाप्रभु का हृदय बड़ा दुखित हुआ। महाप्रभु बड़े ही टूटे हुए मन से अपने हृदय में, अपने हृदय में भक्तों का विरह सहन करते हुए कमरे में अपने रूम में चले गए और रो रहे हैं। महाप्रभु का कृपा गुण जो है उसने सबको बांध लिया। जारे जैसी नचाए प्रभु स्वतंत्र ईश्वर, ताते तारे छाड़ी लोक जाए दिशा। राष्ट्रीय कुटिले जैन कुल के ना पाए, ईश्वर चरित्र पिछु बुद्धि के ना पाए। पूर्व वर्षे जगदानंद आईलो देखी वाले प्रभु आज्ञा लैया
मिठाई ला न दिया न करे। इस प्रकार से भक्तों का आना जाना लगा रहता है और महाप्रभु भक्तों के इस प्रेम से बड़ा यहाँ प्यार बड़ा विवाद है भक्तों का। जगदानंद पंडित आए बड़ा सुंदर सुगंधित तेल लेकर के आए, ऐसा तेल लेकर आए सुगंधित जो तेल एक बार कोई लगा दे इत्र महीना भर तो उसके शरीर से गंध ना जाए सुगंध ना जाए। महाप्रभु के पास में रखा, महाप्रभु ने उसको तोड़ दिया। महाप्रभु ने कहा यही मेरे को विषय बुलाओ, मैं विषयों में डुबा दो मेरे को, मैं सन्यासी बना इसी के लिए भोग करूंगा। जगदानंद पंडित ने उठा के पटक दिया उसको, जो इतना लाखों रुपए कीमत का जो तेल था पटक दिया उसको। तो वो प्रेम भरी यहाँ पे लड़ाई चलती है, यहाँ पे हम लोग आज पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जगन्नाथ मंदिर में महाप्रभु जी का लीला होती है और महाप्रभु भक्तों के साथ में कैसे मंदिर मार्जन करते हैं। उसको देखना
हम लोग जब जगन्नाथपुरी में थे तो गुरु जी को झाड़ू लेकर के हम लोगों ने वहाँ सफाई करते हुए देखा। गुरु जी बड़े ही प्रेम से झाड़ू देते हैं, तो कुछ भक्तों ने ऐसे जल लेकर के गुरु जी के चरणों में छोड़ दिया। और गुरु जी के चरणों में जल छोड़ने से गुरु महाराज एकदम संकुचित हो गए, तो क्या करें। तो आचार्य महाराज जी वगैरह वहाँ पूरी महाराज जी आचार्य महाराज सब लोग थे, उन्होंने देखा कि ये महाराज जी जो है संकोच कर रहे हैं, तब गुरु महाराज जी को शायद पूरी गोस्वामी महाराज जी भी थे, संत गोस्वामी महाराज जी भी थे, तो गुरु जी उन सबके सामने निश्चित रूप से हम लोग शिष्य थे, हम गुरु जी के चरणों में जल दिया हमने, तो गुरु जी ने उनके चरणों में जल छोड़ा। संत गोस्वामी महाराज जी हमको तो उठा दो चरणों में जल छोड़ा और फिर उनके चरणों से जल जो है मस्तक एक आदर्श भी बुलाया कि कैसे करना चाहिए। गुरु वर्गों के आगे हमारे जो गुरुदेव हैं उनकी सेवा नहीं कर सकते, ऐसा गुरु ने आदर्श दिखलाया। नहीं तो गुरु जी संत गोस्वामी महाराज गुरु गोस्वामी महाराज जी साथ में हैं तो उनको छोड़ करके अलग भी तो जा सकते थे। त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी शिष्यों के बीच में गुरु जी आ सकते थे और उनके साथ में अपना नहीं तो गुरु वर्गों के बीच में रह के अपने अपने आप को बचा रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से वहाँ पे हमारे ज्येष्ठ गुरु भाई लोगों ने क्या किया, वो घड़े का जल लिया और ऐसे करके गुरु जी के चल गुरु जी ने कहा गुरु वर्ग हमको लो दिया, उनके चरणों में दिया, लोग बोले क्या करता है, मतलब मना कर रहे हो। और फिर गुरु जी ने वो लोग आगे निकले, गुरु जी ने पीछे से उनका जल से लिया। इस प्रकार से मर्यादा क्या होती है, हम लोग इतने बेशर्म हो जाते हैं कि हम भगवान के आगे अपनी पूजा करवाने लग जाते हैं, भगवान के आगे अपनी महिमा बोलने लग जाते हैं, गुरु के आगे अपनी महिमा बोलने लग जाते हैं, अपना ही पूजा करवाने लग जाते हैं। और कहाँ गुरु महाराज जी की लीला, गुरु महाराज जी भक्तों के बीच में अपने शिष्यों के साथ, उन लोगों के भी शिष्य वर्ग हैं लेकिन अपने शिष्यों के साथ में अलग से नहीं गए। गुरुवर्गों के साथ है तो गुरुवर्गों के साथ ही शिष्यों को शिक्षा दे रहे हैं कि उनके सामने ऐसा कुछ नहीं करो, उनके चरणों में जल होगा तो उनका जल हमारे लिए सेवनीय है। इस प्रकार से गुरु महाराज जी का और नीचा मंदिर माचल के सामने हमने दर्शन किया, एक अद्भुत गुरु जी का गुरु जी के हृदय में अद्भुत विचार और विकास चलते। तो हमने देखो किसने अद्भुत विकार और विचार गुरु जी के साथ, उन सबको गुरु महाराज जी अंदर समेट करके, क्योंकि गुरु जी के हम लोगों के जाने से पहले अंदर की सफाई तो सारी हो जाती थी, अंदर जो मंदिर था उसकी सारी सफाई हो जाती थी, शस्त्र शस्त्र घड़े ले जाकर के लोग जल ढाल रहे हैं, बाहर झाड़ू की दो दो सीखियाँ मिल रही हैं, बड़े बड़े झाड़ू मिलते नहीं सीखी गए, दो दो सीखी उससे ऐसे लिया, सफाई तो हो ही जाती। मैं मेरे को जहाँ तक याद है प्रथम बार मैं शायद 94-95 ऐसे कभी मेरे को पूरी तरह याद नहीं, उस समय में गया रहा था। तो वहाँ हम लोगों ने देखा कि लोग सफाई तो कर रहे हैं लेकिन कुछ एक ऐसे घास लगी हुई है, ऐसे ऐसे जो होती है ना वो पत्थरों के बीच में स्पेस होता है उसमें थोड़ी थोड़ी घास लगी, तो हमने कोई लकड़ी का टुकड़ा लेकर के वो घास को निकालना शुरू किया साफ करने के। तब गुरु महाराज जी ने उसको देख कर फिर मुस्कुराए कि मतलब इनको सफाई करनी है तो जो ऊपर तो साफ हो गया
वो तो घास बीच बीच में ऐसे लगी और दिखने में अच्छी नहीं लगी, उसको साफ कर बुरी मुस्कुराए। बड़ा दिव्य स्वरूप उस वक्त मुझे अनुभव हुआ। और उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम हम लोग गए सन 2005 में, 2004 या 2005 में, तो 4 में या 5 में जो भी हो, उस वक्त हम गए तो शतवार्षिक था परमवीर महाराज जी का, 16 साल था। बड़े बड़े होर्डिंग बैनर इसको लेके गए थे। मैंने देखा हम लोग गए तब तक तो अंदर से सब साफ सफाई चल गई, हो गई। हम लोग तो एक फॉर्मेलिटी के लिए ऊपर से ऐसे ऐसे झाड़ू लगा रहे थे हम लोग। जम ले रहा। अच्छा होता क्या था कि अंदर का जितने भी घड़े हैं झाड़ू हैं वो अंदर से साफ करके जो कृष्ण बलदेव उद्यान है जो बगीचा जो बाहर वाला वहाँ ला करके सब पटक देते। वो ऐसा हो गया था जैसे मानो 8-10 फीट तक ऐसे ढेर लगा हुआ था उसका, मतलब 8-10 फीट तक लोग मतलब फेंक फेंक के, वो कितने ही सालों से लोग फेंकते आ रहे थे, अंदर से कचरा उठाते बाहर फेंक देते। मेरे दिमाग में है कि मैं ये क्यों ना करूं कि इस कचरे को निकालूं। तो ये 94 मतलब सन 2004 या 2005 की बात है, मेरे को भी कोई याद नहीं आ रहा परम गुरु जी का शतवार्षिक था। मैंने क्या किया, वो अपना कपड़ा था जो उत्तरी होता था उस उत्तरी को लिया और उसको नीचे डाला, डाल करके घड़ों को फोड़ फोड़ करके, तो घड़े को फोड़ फोड़ करके उनको उसमें रखा और एक बंदे को पकड़ा, चल भाई मेरे साथ, कहते कहाँ चले मैं बाहर, जाते हुए वापस आने नहीं देंगे। तो मैंने उनको बोला भाई देखो हम वो सफाई कर रहे हैं, हमको बाहर जाना आना पड़ेगा। कहते ऐसे नहीं कर सकते आप बार बार आने जा सकते। मैं कह भैया सफाई कर रहे हैं आना जाना पड़ेगा। अरे लाख आदमी सफाई करता है तुम्हारा सफाई करने से क्या है। फिर मैंने दिखाया कि ये देखो लोग बाहर फेंक रहे हैं, इसको अगर हम बाहर निकाल देंगे उद्यान अच्छा साफ हो जाएगा। तो किसी ने बोला है ज़्यादा देख करने दे। मैं थोड़ा सा गोरा ज़्यादा था उस वक्त, पहले तो अंग्रेज समझा। मैंने कहा पंजाब पंजाब का हूँ भाई, अंग्रेज नहीं हूँ, तुम यहाँ के अपना, सॉरी मैं वृंदावन का हूँ, अंग्रेज नहीं हूँ, तुम यहाँ के पंडा, हम वृंदावन के पंडा। अच्छा अच्छा ब्रजवासी हैं, ठीक है। तो वो हमको परमिशन मिलेगी 4 लोगों की। पहले साल हमने उस ढेर को आधा खत्म कर दिया, मतलब गुरु जी चले गए, सब लोग आगे दर्शनों के लिए चले गए, सब चले गए। वो गुरु जी ने उस चीज को देखा, बोला नहीं कुछ, ये क्या कर रहा है। हमारे आचार्य महाराज जी ने झाड़ लगाया, ए क्या करता वहां पे। मैंने कहा महाराज जी फिर दे बड़ा धंधा हो रखा है, अंदर बड़े ज्यादा जमाव पड़े हैं, उनको निकालना। तो चुप कर गए, मेरे प्रश्नों का उत्तर तो ऐसे होता। तो फिर क्या हुआ, वहां एक गेट था, छोटा सा गेट, वो नरसिंह मंदिर की तरफ खुलता है। वो गेट पूरा ढका हुआ था, मतलब वो कचरे से तब गेट पूरा ढका था, उधर जाने का रास्ता ही नहीं था। तो हमने उस गेट को गेट तक साफ कर दिया। उससे क्या हुआ, लोगों के अंदर एक जागृति आई कि भाई ये काम भी होता है। फिर अगले साल गए तो इस्कॉन के बहुत से भक्त, वो सारे लोग जो है उन्होंने प्रेरणा का, हम भी कर सकते हैं, अरे तू नहीं कर सकता। फिर बड़े पहलवान पहलवान लड़के जो है सब लोगों ने फिर चालू किया। फिर वो पूरा टीला, उसमें से सांप भी निकले, बड़े बड़े सांप, सब डरे, छोटे छोटे बच्चे निकले सांपों के। मैं डरो नहीं डरो, ऐ जा रहे जा रहे जा। वो जब वो सब डर, मेरे को हमारे जो लक्ष्मी बहन जी वगैरह सब डर के मारे, हमारी माता भी थी उन्होंने डांटा, हमारे परम पूज्य पाद भारती गोस्वामी महाराज ने क्या करता है वहाँ पर। मैं कह महाराज जी बलदेव जी के कुछ शेष वगैरह घूम रहे हैं, ऐसा मत करो। अरे महाराज जी हम भी उन्हीं के चेले हैं, ऐसे करके मजाक किया मैंने। उससे एक चीज मैंने नोट की, इस क्रिया से आने वाले समय में लोगों ने, विशेष करके मैंने इस कौम के बच्चों को बोला, उन लोगों ने नारायण महाराज जी के वर्ष और सभी ने इससे प्रेरणा ली
और आगे के लिए अब वहाँ पे मैं देखता नहीं हूँ कि बाहर में बहुत सारे ढेर, पहले एक दीवार पूरी की पूरी ऐसी प्राचीर है बड़ी सी, वो पूरा ऐसे ढका था ऊपर तक था। उसके बाद में हर पेड़ के नीचे, मतलब हर वहाँ पे जो नारियल पेड़ थे उनके नीचे ऐसे डिबियाँ बनी हुई थी, ढेर बने हुए, तो उनको साफ करने के बाद में बहुत देर हुआ, मेरा ख्याल 4-5 बज गए थे हमको वापिस आने में। खाना बना कुछ नहीं खाया था, पहली बार जब हमने किया, अकेले थे 2-4 लोग थे और लोग हमें पागल समझ रहे थे, क्या पागल है, क्या करता है, क्या कर रहे हैं, पागल समझ रहे थे हमको। लेकिन वही चीज़ है कितना सुंदर बन गया, जब वापिस आए तब गुरु जी ने पूछा, हम मट से फावड़े फुबड़े कर फटाफट मंगवाए, जब ऐसा हो गया फावड़ा वगैरह लेके गए, बेलचा होता बेलचा लेके गए, तो गुरु जी ने जब आए तब गुरु जी ने पूछा, हमारे आनंद आ गए। एक गुंडीचा मंदिर मार्च है, अपना हृदय को भगवान के लिए प्रस्तुत कर, उसमें जो है उसको निकाल के बाहर, इधर से निकाला उधर रख, ये गुरु जी ने नहीं बोला मैं बोलूंगा, इधर से निकाला उधर रख दिया, उधर से निकाला उधर रख दिया, उधर से निकाला उधर रख दिया, है तो अंदर ही मंदिर थे। हम लोग क्या करते हैं, हमारे हृदय के जो विकार हैं उन विकारों को निकालते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं चाहते हैं हम लोग भगवान का भजन करना चाहते हैं, निकालते हैं, लेकिन किसी ना किसी कोने में कोई ना कोई हम छोड़ ही देते हैं, यहां से उठाया उस कोने में छोड़ दिया, लेकिन रिसाइकल बिन में डालने के बाद भी उस रिसाइकलिंग हो सकती है, इस बात को याद रखना चाहिए। इस प्रकार से गुंडीचा मंदिर महाजन के समय में गुरु महाराज जी का, और वहाँ पे हमारे परम गुरु पर पूरी गोस्वामी महाराज जी, और जब संत गोस्वामी महाराज जी होते थे वो विशेष करके संत गोस्वामी महाराज जी कीर्तन जब करते थे वहाँ पे, एक अलग बाबा जी लोगों की संप्रदाय, उनका कीर्तन चलता था, हमारा इस तरफ चलता था, माइक वाइक अंदर नहीं जाने देते, तो अब जाने देते हों तो पता नहीं, उस समय नहीं जाने देते, तो उसमें कीर्तन चलता, तो उसमें जोर से उनकी आवाज़ होती थी, और करके राग रागनियों से गाते थे, याद है मुझे, तो आज गुंडीचा मंदिर मार्जन है, और घर में कई लोगों के मंदिर छोटे छोटे मंदिर हैं, आज पूरी तरह मंदिर के हर कोने को अच्छे ढंग से साफ किए, विशेष करके ठाकुर जी के मंदिर को, रसोई जहाँ भगवान का भोग बनता है उसको, जहाँ भगवान विराजमान होते हैं उसको विशेष रूप से साफ किए, इसके साथ साथ अपने घर की भी सफाई कर लीजिए, ये आज के दिन का एक विशेष महत्व है। हम लोग भी आज हमारी गाय जो है नवीन गौशाला में प्रवेश करेगी, वहाँ पे आज भोजन करेंगे, आज बढ़िया से भोजन लाना चाहिए उनके लिए, तो ये बात है। जय धर्म के विषय में मैं तो आज कीर्तन करना चाहता था, वो लोग गुरु महाराज जी हमारे संत गोस्वामी महाराज जी करते थे गुंडीचा मंदिर महाजन वाला कीर्तन, मिले ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ है, उसके कीर्तन बड़े अच्छे पद हैं, लेकिन जो आप लोगों की क्या लीला है, तो जय धर्म हम पढ़ रहे थे, चलिए उसी में चलते हैं उस समय के। देवीदास जी ने पूछा, देवीदास कौन, लाहड़ी महाशय कौन, जो अपने बच्चे सिखाते हैं कैसे करना है, लाहड़ी महाशय कालिदास जी, लाहड़ी महाशय के बेटे हैं देवीदास जी, जो कि लेने के लिए आए थे, उनको उन्होंने शिक्षा दी, शिक्षा से वो प्रभावित हुए, प्रभावित होकर के उनके पिताजी से प्रार्थना कर रहे हैं, क्या कहते
मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप लोग भी तो मूर्ति पूजा करते हैं, हम भी मूर्ति पूजा करते हैं, हम भी मूर्ति पूजा करते हैं, आपके और हमारे में अंतर क्या है? जैसे सनातन धर्म शब्द कहने वाले लोग सनातन धर्म की सेवा पद्धति क्या थी इस चीज को जानते तो हैं, लेकिन करते हुए भी मूर्ति पूजा है। जैसे ये अभी प्रश्न कर रहे हैं, यहां क्या कहते हैं, देवीदास जी कहते हैं जिस श्री मूर्ति की पूजा की जाती है वे तो मनुष्य के द्वारा ही बनाई होती, उसे नित्य मूर्ति कैसे कह सकते हैं? यहां पीछे कहा था नित्य चिन्ह में श्रम शक्तिमान होती है श्री मूर्ति, तो वह मूर्ति तो मनुष्य के द्वारा बनाई, तो श्रम शक्तिमान या चिन्हमय या नित्य कैसे हो सकती है? गाड़ी मास्टर कहते हैं वैष्णव द्वारा पूजित मूर्ति वैसी मूर्ति नहीं होती, भगवान ब्रह्म की तरह निराकार नहीं है, वे सच्चिदानंद घन विग्रह सर्वशक्तिमान है, वही सच्चिदानंद घन विग्रह या श्री मूर्ति पूजनीय है। मतलब भगवान का नित्य स्वरूप जो है वो है वास्तविकता में विग्रह, वही वास्तविकता में है मूर्ति, जिनका स्वरूप है उनका ही रूप है, रूप को ही मूर्त कहते हैं। ठीक है, कहते भगवान का जो स्वरूप है वो ब्रह्म की तरह निराकार नहीं है, निराकार तो भगवान का अंग का प्रकाश या भगवान के लोक का प्रकाश है। तो कहते हैं वही सच्चिदानंद विग्रह जो है वही पूजनीय है, वह श्रीमूर्ति पहले जीव के चित्त विभाग में प्रतिभात होकर मन में उदित होती है, वह जो स्वरूप है भगवान का नित्य स्वरूप वो जीव के चित्त के चित्त में प्रकट होता है, और मन के द्वारा निर्मित मूर्ति में भक्ति योग से वही सच्चिदानंद मूर्ति आविर्भूत होती है। इसमें थोड़ी इसको तो देख लिया मैंने, मिला नहीं ना इसमें, अरे खोला तो था मैंने इसको, देखो निकुल कहाँ है, श्लोक दिखाओ, इसमें तो हल्का सा ये हमारे भारतीय गोस्वामी महाराज जी पढ़ते थे, तो जो भी हो यहाँ पर जो मूर्ति है भगवान का स्वरूप जो है पहले जीव के चित्र में प्रकट होता है, वही प्रकट होकर के मन में आता है, और मन के द्वारा निर्मित मूर्ति में भक्ति योग से वही सच्चिदानंद मूर्ति आविर्भूत हो पड़ती है। जैसे उदाहरण के लिए भगवान के अनंत रूप हैं, कई लोग बोलते हैं अगर कृष्ण का मूर्ति एक ही है एक ही रूप है तो हर मूर्ति का चेहरा एक जैसा होना चाहिए, क्वेश्चन करते हैं। जैसे इस्कॉन में चले जाओ वहाँ स्वरूप बड़ा एकदम ग्लेजिंग वाला होता है ठाकुर जी का, और किसी आम मंदिर में चले जाओ वहाँ कृष्ण का रूप ऐसा होता है, गौड़ी मठों में चले जाओ वहाँ कुछ ग्लेजिंग कम होती है, श्रृंगार थोड़ा हल्का होता है, परंतु अलग अलग चेहरे हैं, ऐसे कैसे हो सकते हैं अलग अलग चेहरे? जब भगवान एक है तो भगवान का स्वरूप भी एक ही होना चाहिए, तो उसके लिए बात करते हैं कि भगवान एक है, भगवान का स्वरूप एक है, परंतु भगवान के स्वरूप में बहुत से भाव होते हैं, उन भावों का भक्त के हृदय में जैसे प्रकाश होता है, उस भक्त के हृदय से भगवान जब उनके मन में अवतीर्ण होते हैं, मन से फिर शरीर में आते हैं, उस शरीर के द्वारा जो बनाता है मतलब मूर्ति बना मूर्तिकार जो है वो जब उसको आकार देता है, उस आकार के समय में भगवान का एक विशेष भाव होता है, वो भावमय मूर्ति जो है भगवान का भाव जो है वो जो प्रकट होता है, वो भावमय जो स्वरूप है वह स्वरूप अलग अलग ही होना चाहिए, नहीं तो भगवान का तो भगवान तो सीमित हो जाए। जैसे मनुष्य बोलने से तो एक ही होता है मनुष्य का, मतलब एक मनुष्य, लेकिन मनुष्य के जैसे चेहरे पूरी तरह अलग 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 हैं, माँ से पिता से जन्म लेने पर भी पिता का माता का चेहरे का भाव होता है, पूरी तरह चेहरा नहीं आता, किसी किसी का आता है लेकिन सबका नहीं आता। इसी प्रकार से
भगवान एक होने पर भी भगवत स्वरूप बहुत है। मनुष्य जैसे एक है, एक होने पर भी उसके अलग अलग रूप, ऐसे भगवान कृष्ण एक होने पर भी भगवान के अवतार के जो स्वरूप है, अवतारों के जो रूप है, वो दिव्य और अलग अलग है। तो उस तरीके से भगवान का जो स्वरूप है, जैसे उदाहरण के लिए एक बात याद आती है, गर्गाचार्य महाराज जी ने भगवान कृष्ण अवतीर्ण हो रहे हैं तो गर्ग संगीता के अंदर वर्णन किया है, कृष्ण के अवतीर्ण होने पर राम जी के साथ में लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न, ये सभी परिकरों सहित उनके अंदर प्रवेश कर गए। किन के अंदर? कृष्ण भगवान के अंदर। सुन भी रहे हो? प्रवेश कर गए। ऐसे नरसिंह भगवान प्रवेश, बावन भगवान प्रवेश कर गए, ऐसे बहुत से भगवान के अवतार जो हैं उनमें प्रवेश कर गए। ठीक है ना? क्यों प्रवेश कर गए? क्योंकि अन्य अन्य अवतारों में भगवान भक्त के भावानुसार संपूर्ण रूप से उन्हें नहीं दे पाए। क्यों नहीं दे पाए? वो तो सर्वशक्तिमान दे सकते थे। कहते बावन भगवान है, छोटे से बच्चे, उसको देख करके कई भक्तों के हृदय में आया कि आया है इससे मेरा विवाह हो जाए। जैसे उसके मन में आया, उसकी बेटी के मन में, बलि महाराज की, इतना प्यारा है, ऐसे मेरा बच्चा हो। लेकिन जैसे उन्होंने तीन अपने चरण निकाल करके दो चरणों से सारा ऊपर से नीचे माप लिया, तब तो कैसे ऐसा बच्चा हो तो दुष्ट को जहर पिला के मारा। तो भाव उसका उत्तम था, ध्यान दीजिए, यहाँ दो चीजें हैं। भाव उत्तम था, बच्चा हो दूध पिलाओ, उसके हृदय में उसको दूध पिलाने का भाव आया। भगवान बामन वहां दूध नहीं पी सके, अब उसके मन की इच्छा को पूरी कैसे करेंगे? तो उन्होंने कृष्ण की सेवा में धाया का स्वरूप में दिया। कृष्ण की सेवा में नित्य गोलोक धाम में क्या दिया? धाया। और उससे पहले पूतना बने, पूतना बन के आई, मन में इच्छा थी दूध पिलाऊं जहर पिलाऊं, दूध की जगह जहर पिलाने की कोशिश की। भगवान ने उसकी उस भावना का आदर किया जो शुरू में आया था। भगवान की कपटता के कारण उसने मारने का षड्यंत्र रचा, अन्यथा उसका भाव तो शुद्धता बिचारी का, उसने मनुष्य के रूप में देखा। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जा तेरे को गोलोक धाम में नित्य सेवा मिल गई धाया की। अब माँ यशोदा जो है वो तो दूध पिलाती है, और माँ यशोदा और भी सेवाएं होती हैं, तो जो और होती है ना नीचे सेवा करने वाली, वो कृष्ण बेईमान, सॉरी कृष्ण ऐसा है चपल चंचल आकर्षक सम्मोह छोटा सा है। वो मैया उधर जाती है तो जो सेविकाएं होती ना उनके आंचल उठा कर देता, मैं आप मेरे को गोद में ले लेती खिलाती, फिर दूसरी कहती बहना मेरे को भी थोड़ा सा सुख लेने। ऐसी कुछ गोपियां जो भगवान को वात्सल्य भाव से चाहती हैं, उन भावनाओं के भक्तों को भगवान आदर देते हैं। परंतु ध्यान रहे, जो भक्त जिस रूप में आकर्षित हुआ था उसको भगवान का वही रूप इस कृष्ण रूप में दिखलाई देता है, समझे नहीं? जैसे रामचंद्र, उनको देख के दंडक बन के 16,000 ऋषिगण बौरा गए, मन में आया कि बाबा हमें भी सिया जी की तरह सेवा करने दो। कहते मैं एक पत्नी व्रत हूं, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियां जटाएं बड़ी बड़ी, पत्नी बनने की इच्छा कर रहे हैं प्रभु की सेवा के लिए। कहते मर्यादित रूप है, अमर्यादित रूप से कृष्ण चंद्र प्रकट होंगे तब मैं आऊंगा, तब आप वहां आना हम मिलन करेंगे। वही रामचंद्र श्री कृष्ण के अमर्यादित रूप से आए, और वही 16,000 ऋषिगण गोपी स्वरूप से भी आए और उधर भी आए महिषी के रूप में, पत्नी के रूप में। डबल डबल मतलब उनके भाव में गोपियों के साथ नृत्य किया, और भाव भाव स्वरूप यहाँ था। जैसे अभी कृष्ण, मान लो तुम्हारा कोई मित्र है कहीं और जगह पे है, तुम उसको फोन से बात करते करते भाव में जो है अपने तकिए को प्यार कर जा रहे हो, इस तरीके से। तो भाव में स्वरूप से यहाँ पे उन्होंने गोपियों के भाव में आकर के नृत्य भी किया है, रास भी किया, और वहां पर
पत्नी के स्वरूप में सेवा की। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जब रासमंडल में है तो उन्हें श्री रामचंद्र नजर आ रहे हैं, मुरलीधर रामचंद्र। कौन? मुरलीधर रामचंद्र, धनुष वाले रामचंद्र नहीं। हनुमान जी महाराज ने द्वारिका में जाकर श्री कृष्ण को देखा तो क्या देखा? हे राम, हे प्रभु, हे नाथ, हे दयानंद, आपके साथ ही दासी कौन सी बैठी है? सत्यभामा बैठी बेचारी, इतनी सुंदर, सबसे सुंदर। रुक्मणी मैया नहीं है, रुक्मणी जी सीता जी, ये दासी कौन सी बैठी? ले मैं दासी, इसको पता नहीं। अब हनुमान जी को कौन बोले? रुक्मणी जैसे रुक्मणी जी, हाँ माँ, हनुमान जी को सारी लीला पता है। तो कहने का अभिप्राय कि जो जो जैसे जैसे रूप इस जगत में भगवान के प्रकट हुए अन्य अवतारों ने, वो श्री कृष्ण अवतार में रासमंडल के अंदर अलग अलग भक्तों के भावों के जो अनुसार अन्य 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 अवतारों में हुए थे, उनको वही एक बार एक झलक तो उनको वही दिखाई दी और उन्होंने अपने उन प्रियतम के साथ में लीला रची। समझे बात? इस प्रकार से भगवान की जब श्रीमूर्ति का निर्माण करता है जो कारीगर, उसके हृदय में, उसके मन में, जब वो किसी विशेष व्यक्ति के लिए, जैसे उदाहरण के लिए किसी महापुरुष ने बोला कि आप जो है ऐसे ऐसे श्री विग्रह होगा, ऐसे उनके हाथ होंगे, जो होगा आप कृपया निर्माण कीजिए, और वो भक्त अगर परम भक्त है, शुद्ध भक्त है, ऐसे नहीं हमारे जैसा भक्त कहने लग गए और अपनी पूजा करवाने लग गए, ऐसा नहीं। शुद्ध भक्त है, अपने गुरुदेव के अनुगत में आया हुआ, परंपरा में आया हुआ, दासानुदास के भाव में भावित, जो कि अपने आप को प्रिंसिपल अधिक लीनहीन समझता है, वो भावनामय जो उसका भाव में जो स्वरूप है, जो वो निवेदन करता है कि अब ऐसा आप कृपा कीजिए, ठाकुर जी को बुलाइए, बनाइए, तो वो उसकी भावनाएं देखते हुए भगवान उस कारीगर के हृदय में आकर के उसके मन से उनके हाथों की कलाओं के द्वारा भगवान प्रकट होते हैं। तो इसलिए मूर्ति का रूप अलग अलग दिखने पर भी सब सच्चिदानंद है, ये बात यहाँ पे कौन कह रहे हैं? देवीदास जी। कौन कह रहे हैं? धारी महाशय। भक्त उसे दर्शन कर हृदय में जिस चिन्ह में मूर्ति का दर्शन करते हैं उसके साथ से मूर्ति की एकता कर लेते हैं। जिसका दर्शन करते हैं बाहर का जो स्वरूप है उसके साथ उसका एक्ट कर लेते हैं, मतलब वही है, उसी को प्राण प्रतिष्ठा कही जाती है। ऐसे नहीं प्राण प्रतिष्ठा मंत्र बोले पा कर दिया हो गई प्राण प्रतिष्ठा, ऐसे नहीं। जो हृदय में प्रकट है उसको बाहर जो प्रकट स्वरूप है उसमें एक ही भाव करते हैं, ठीक है। किंतु ज्ञानी लोग जिस मूर्ति की पूजा करते हैं वे मूर्ति वैसी नहीं है, क्योंकि ज्ञानियों के हृदय में भगवान है ही, वो तो निराकार उपासना करने वाले हैं, वो अहम ब्रह्मस्मि सोहम अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानं ब्रह्म शिवोहम इत्यादि मंत्रों का जाप करने वाले, वो खुद ही ब्रह्म बने हुए, खुद ही शिव बने हुए, तो अपनी मूर्ति का ही तो बनवाएंगे। इसलिए उनके मंदिरों में, उनके मठों में, उनके आश्रमों में, उनके डेरों में आप उन्हीं की फोटो देखोगे भगवान की नहीं देखोगे, उन्हीं की मूर्तियां देखोगे भगवान की नहीं देखोगे। यही बातें मेरी बहुत ज्यादा कड़वी होती लेकिन क्या कर, मजबूरी बोल देता हूँ, शास्त्र में लिखा है। इसलिए कहते इससे ज्ञानियों की जो मूर्ति रहती है वो अपने आप को ब्रह्म समझते हैं, तो अब बैठे रहेंगे ऐसे, फोटो खिंचवाएंगे बढ़िया से, उनकी मूर्ति बनाने वाला बनाएगा देखेगा। इन लोगों के मत में उन किसी भौतिक पदार्थ में ब्रह्म की कल्पना की जाती है, उन लोगों की दृष्टि में ब्रह्म की कल्पना की गई किसमें? किसी मूर्ति में, किसी भौतिक पदार्थ में कल्पना की गई। ये मूर्तियां उन लोगों के लिए, उन लोगों की साधन अवस्था के लिए ही उपयोगी होते हैं, वो सिर्फ साधन अवस्था के लिए केवल मूर्ति पूजा वगैरह करते हैं, बाद में केवल मात्र पार्थिव वस्तु के अतिरिक्त कुछ नहीं रहती। अंत में जब वो ब्रह्म विलीन होते हैं तो पीछे कुछ नहीं, पत्थर ही रहते, ऐसा सोचते हैं वो।
अब तुम इन दोनों मतों की मूर्तियां तथा उनके अर्चन आदि के भेद विचार करो। गुरुदेव की कृपा से जब वैष्णवी दीक्षा प्राप्त होती है तब दोनों के फलों को देखने से यह अंतर भली भांति समझा जा सकता है। जब वैष्णवी दीक्षा मिलती है तब मालूम पड़ता है गुरु कृपा से कि जो भगवान की सेवा है वह सेवा और आम मंदिरों में भगवान की सेवा और ब्रह्म नाम ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म रवि ब्रह्मानुतम ऐसे करके और ब्रह्मानुतम बोल करके वही हो गया भोग हो गया ले लो। और जब वैष्णवी दीक्षा होती है भगवान को दिल से भोग लगाना भगवान को अर्पण करना भगवान खा रहे हैं भाव में भावित होकर के उनके मंत्रों का जाप करना। ऐसे लिया एक लिफाफा और लिफाफा हनुमान जी के मुंह में लगा दे ठोंगे में लो भोग हो गया। कुछ लोग क्या करते हैं वो जो लिफाफा है पहले मुंह में लगाते ऐसे करके ठोंगे में लगाया उसमें थोड़ा निकाल कर फेंक दिया लो प्रसाद और लोग लगे हुए हैं। मैं सनातन धर्म की निंदा नहीं कर रहा हूं लेकिन इस सोच समझना चाहिए ये विधि नहीं है हनुमान जी को भोग लगाने की। तुम्हारे मुंह में ला करके कोई ऐसा गिलास लगा दे क्या करो एक बार दो बार तीन बार चौथी बार तो थूक ही दे। हाँ क्या करो कितनी देर तक तुम ऐसे कर सकते हो। और तो और कुछ लोगों का इतनी धर्म अंधता है वो उसमें से बर्फी लेंगे तो मुंह में चिपकाएंगे ऐसे ठोसेंगे हनुमान जी के मुंह में ऐसे ठोसेंगे अंगूठे से। हमारे गोकुल महागुरु में हनुमान जी और भगवान शिव हैं तो शिव जी की पिंडी को ऊपर रख देंगे सिर पे और वो उसके लिए फिर वो चींटियां आएंगी सेवक को बेचारे जी भी वो आकर उनको खाएंगे। हनुमान जी की चींटियां ऐसे घुस रहे खा रहे। मैं डांटता था उनको अरे तुम्हारे मुंह में ऐसे लपेट दो मुंह दे तो ये तो छाप कर लोग ऐसे ऐसे करके तुम्हारे यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिठाई लगा देता हूँ साफ ना करने तो हाथ बांध दो फिर देखो तुम्हारा क्या होता है। ये कोई विग्रह सेवा नहीं है वैष्णवी दीक्षा गुरुदेव की कृपा से प्राप्त होती है तब दोनों के फलों का अंतर भली भांति समझ में आता है। अच्छा